हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेस्पर थियोरी। ठीक है, शॉर्ट में हम VSEPR थियोरी बोलते हैं, जिसको फुल फॉर्म है जिसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी। देखिए, यहाँ पे हम एक्चुअली में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, लाइक BF3 मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन CH4 मॉलिक्यूल हो गया, तो उसकी ज्योमेट्री किस तरह की होगी। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, किसी की टेट्राहेड्रल होती है, किसी की लीनियर होती है, किसी की एंगुलर होती है, बेंड होती है, तो वो शेप किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, वो यहाँ पे हम एक थियोरी के बेसिस पे समझने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थियोरी। ठीक है, VSEPR थियोरी। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है, पहले इस थियरी को समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखेंगे कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री को हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बॉन्डिंग की बात करें केमिस्ट्री में, ठीक है, तो कोई भी एटम जब भी बॉन्ड बनाता है तो उसके कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, हो ही, ठीक है, लगे ही हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूडेड हैं, बट कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी एटम के लिए। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो क्या बनाएंगे? बॉन्ड पेयर्स बनाएंगे। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? लोन पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब दो तरह के पेयर्स आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में देखने को मिलेंगे, कुछ बॉन्ड पेयर्स देखने को मिलेंगे, कुछ लोन पेयर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, अमोनिया मॉलिक्यूल सबको पता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास अगर मैं वैलेंस शेल में देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अमोनिया में अगर आप बात करोगे तो 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, बट फिर भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे, वो उसका क्या है? एक लोन पेयर है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं? पूरा एक लोन पेयर। भाई, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक तो इसने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, 3 तो ये हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना वैलेंस शेल के। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या यहाँ पे बनाया हुआ है? बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है। और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन का जो एक पेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लोन पेयर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लोन पेयर क्या है? सिंपल सा, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, उनके पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। एक और मॉलिक्यूल देखिए, वाटर की बात करें, वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। भैया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्डिंग की होगी तो एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया होगा, एक इसके साथ, तो भी तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में। ठीक है, तो ये 2 तो शेयर में चले गए, अब उसके पास 4 तो बचे, 4 का मतलब इसके पास कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर्स होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, मैं पहले आपको बता रहा हूं भाई कि ये क्या कहा जाएगा, ये बॉन्ड पेयर कहा जाएगा, BP, है ना, ये क्या कहा जाएगा? लोन पेयर कहा जाएगा, LP। ठीक है, मतलब 2 तरह के पेयर्स होने वाले हैं हमारे पास सेंट्रल एटम में, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास लोन पेयर हो ही, ठीक है, हो सकता है किसी के पास केवल बॉन्ड पेयर हो। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और उसने 4 की शेयरिंग भी किया है हाइड्रोजन के साथ, 4 की शेयरिंग भी की है, तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है उसका। ठीक
ठीक है, तो वो उसके पास केवल क्या प्रेजेंट है, ओनली बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है सबको, बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या है। तो देखिए यही वेस्पर थियरी है कि किसी भी एटम के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो दो तरह के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स। कहीं कहीं पे ओनली बॉन्ड पेयर्स बनते हैं, लोन पेयर नहीं बनता है। तो जब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेंगे तो है क्या, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, और थ्री डायमेंशन में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आइदर वो बॉन्ड पेयर हो और वो लोन पेयर हो, ठीक है। दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में भी रिपल्शन होगा, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, और दो लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा, है ना। सेंट्रल एटम जो भी था उसके पास जितने भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स होंगे सबके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, है ना। जैसे अभी मैं बता रहा था भाई, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिपल्शन जनरेट होंगे। क्या ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर को रिपल करेगा, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, है ना भाई। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे सब निगेटिवली चार्ज है, तो जितने भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे उस मॉलिक्यूल में सब एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। और ऐसा करने पे होगा क्या, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि भाई रिपल्शन होगा तो वो दूर की तरफ हटेंगे, ठीक है, दूर जाएंगे, ताकि वो जो रिपल्शन हो वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। भाई जितना कम रिपल्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ये थियोरी हमसे ये बोलती है कि जो लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे थ्री डायमेंशन में, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि हर एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या बने, मिनिमम रिपल्शन बने, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन बनेगा तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी की पोजीशन मॉलिक्यूल को गेन होगी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन नहीं चाहता है भाई, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि उसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिल जाए। तो इसी से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो डिसाइड होती है, जो भी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा, जो भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा, हमें सोचना होगा कि थ्री डायमेंशन में उसको कितने डिस्टेंस पे रखूं, कितने एंगल पे रखूं, कि वो जो रिपल्शन था उनके बीच में वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमें हर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के पहले क्या सोचना होगा कि उसके पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, और उनके बीच के रिपल्शन को ध्यान में रखना होगा। अच्छा देखिए, तीन तरह के रिपल्शन हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, है ना, कि भाई दो लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो सकता है, तो इसको लोन पेयर का रिपल्शन बोलते हैं। एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर सकता है, तो इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बोलते हैं। एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर सकता है, तो इसको बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन बोलते हैं, ठीक है। और इधर भी कौन सा रिपल्शन था आपका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो मतलब टोटल थ्री टाइप के आपके रिपल्शन हो सकते हैं इन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो वेस्पर थ्योरी में देखिए ये कहा जाता है कि दो लोन पेयर्स के बीच का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ये रिपल्सिव ऑर्डर है, रिपल्सिव ऑर्डर, ठीक है, रिपल्शन का ऑर्डर है। लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। और जहां भाई रिपल्शन ज्यादा होगा उसके बीच का एंगल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बनना चाहेगा, है ना। रिपल्शन ज्यादा होगा तो फ्लैंजेस दूर की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। और यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल में तो तीनों टाइप के रिपल्शन प्रेजेंट थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबके अंदर हर टाइप का रिपल्शन हो, वो तो डिपेंड करेगा लोन पेयर है या नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। और बाकी जो पीछे मैंने पॉइंट्स बोले वो सब पॉइंट्स थे वेस्पर थियरी के।
आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपको पॉइंट पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे वेस्पर थियरी के, जो भी मैंने आपको पीछे बोला है, ठीक है। अब देखिए, इसी के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ज्योमेट्री पे चलते हैं, किस तरीके से डिसाइड करेंगे। हमें पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर को फाइंड आउट करना होगा कि कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं गिवन मॉलिक्यूल में, ठीक है। गिवन मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, तो देखिए मैं आपको इधर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की कंडीशन लिखता हूं। यहां पे आपकी ज्योमेट्री आएगी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, और यहां पे चलिए उनके कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, ठीक है। कॉलम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं दो बॉन्ड पेयर हो, ऐसे लिख देता हूं इसको, बीपी प्लस एलपी, बीपी प्लस एलपी, ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें दो बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है। तो अगर देखिए दो ही बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, तो दो बॉन्ड कितने एंगल पे रहे तो जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल एटम ए है मान लीजिए, और दो सराउंडिंग एटम्स बी हैं, तो ये दो बॉन्ड पेयर हुए ए के, ए ने दो बॉन्ड पेयर बना रखे हैं, और ये कितने एंगल पे रहना चाहेंगे मिनिमम रिपल्शन के लिए, ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री पे, है ना भाई। ऐसा तो नहीं होना चाहेगा ना ए बी टू, ऐसा तो नहीं होना चाहेगा यहाँ रिपल्शन ज्यादा लगेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहेगा ना यहाँ पे रिपल्शन फिर भी ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू दैट वन। यहाँ पे एंगल सपोज करिए मान लीजिए कुछ 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, वहां पे तो 180 डिग्री है भाई। मिनिमम रिपल्शन के लिए मैक्सिमम एंगल बनना चाहिए दोनों के बीच में, और मैक्सिमम एंगल कितना पॉसिबल है, ऊपर से भी 180, नीचे से भी 180, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में मिनिमम रिपल्शन के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को 180 डिग्री पे रखूंगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगी, वो क्या होगी, वो लीनियर बनेगी, लीनियर है ना, सीधा सीधा बनेगा, लीनियर ज्योमेट्री बोलेंगे इसको, बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा लगेगा, वो जो केस है वो मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल, है ना, ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें केवल दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ए बी टू टाइप का ये मॉलिक्यूल था जिसमें दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बी ई एफ टू, बी ई सी एल टू, ठीक है, सी ओ टू, ये सब लीनियर स्ट्रक्चर है। देखिए बेरिलियम भाई सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर फ्लोरीन से शेयर कर लिया, एक इधर फ्लोरीन से शेयर कर लिया, कैसा स्ट्रक्चर होगा, लीनियर, सेम BeCl2 दो क्लोरीन के साथ, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, CO2 को भी मैंने लीनियर लिखा। देखिए डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको भी पूरा एक बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं। अगर किसी एलिमेंट ने सपोज करो ए ने बी के साथ सिंगल बनाया तो भी ये एक बॉन्ड पेयर है, ए ने बी के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो भी इस पूरे डबल बॉन्ड को मिला के एक बॉन्ड पेयर बोलूंगा, और ए ने बी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो भी इस पूरे ट्रिपल बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, एक बॉन्ड पेयर बोलूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड को भी मिला के पूरा एक बॉन्ड पेयर आप काउंट करोगे, ठीक है। तो देखिए CO2 में भी क्या है, कार्बन के पास होते तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट एक ऑक्सीजन कितने शेयर करता है, दो, तो एक कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बना, और यहां पे भी देखिए कितने बॉन्ड पेयर हुए, टोटल दो बॉन्ड पेयर, इसको चार बॉन्ड पेयर मत बोलिएगा, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड बना हो, चाहे डबल बॉन्ड बना हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बना हो, वो पूरा एक बॉन्ड पेयर माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये भी किसकी कंडीशन है, टू बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर। यहाँ पे भी एंगल कितना बनना चाहेगा इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में, 180 डिग्री का एंगल होना चाहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके ए बी टू टाइप के मॉलिक्यूल्स के, जिनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा वन बॉन्ड पेयर की कंडीशन क्यों नहीं ली भाई, वन प्लस जीरो से स्टार्ट करना चाहिए था, बट सोचिए सिंपल सा, एक ही बॉन्ड है तो उसका कोई शेप थोड़ी बताना है भाई। अब मेरे से कोई पूछे एस सी एल मॉलिक्यूल का शेप बता दो, तो लीनियर है भाई, एक ही बॉन्ड होगा तो उसका शेप तो सोचना ही नहीं है ना।
एस सी एल मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो ऐसे थ्री डायमेंशन में कहीं भी रहे वो तो लीनियर ही रहेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए एक बॉन्ड पेयर से हमने नहीं स्टार्ट किया, हमने कहां से स्टार्ट किया, एटलीस्ट टू बॉन्ड पेयर से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए थ्री बॉन्ड पेयर हो, तीन बॉन्ड पेयर मतलब ए बी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल हो, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ए बी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है सबको भाई, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसे ही डिसाइड करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से। तो हमने कहा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, मतलब ए बी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल हो, ए बी थ्री टाइप का, ठीक है। अब देखिए तीन बॉन्ड्स को अरेंज करना है, टोटल थ्री बॉन्ड्स हैं उनको अरेंज करना है, तो तीनों को कितने एंगल पे रखूं कि एक मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन बने। भाई 360 डिग्री होता है एक पूरा सर्कल हमारा, और 120 120 120 पे तीनों बॉन्ड्स को अगर मैं अरेंज कर दूं, है ना, एक 2D फिगर में, तो ये मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन होगी तीनों के बीच में। ये वाला बॉन्ड जितना इसको इधर से रिपल करेगा, ये वाला बॉन्ड उतना ही इसको इधर से रिपल कर रहा होगा, नेट रिपल्शन देखो तो एक तरह से जीरो हो जाएगा। ऐसा ही ये जितना इसको इधर से रिपल कर रहा होगा, ये उतना उसको उधर से रिपल कर रहा होगा, नेट रिपल्शन जीरो होगा, बात समझ रहे हैं, है ना। तो तीनों के बीच में अगर मैं 120 120 120 का एंगल रखता हूं, 120 डिग्री का, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो मिनिमम रिपल्शन का केस लेके आएगा। भाई हम ऐसा नहीं बना सकते थे, ऐसे में तो क्या हो जाता, रिपल्शन बहुत भारी होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता, ऐसा नहीं बना सकते थे, ऐसा नहीं बना सकते थे। इन सब केसेस में क्या होता है, रिपल्शन की केस मिनिमाइज नहीं होती, वहां पे रिपल्शन मिनिमम है, बनाने को ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, बट वहां मिनिमम रिपल्शन नहीं मिलता, और मिनिमम रिपल्शन नहीं मिलता तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये तीनों जो बी है वो एक प्लेन में है, ये तीन के तीनों भी एक प्लेन में है, ध्यान दीजिएगा एक ही प्लेन में है, वो प्लेन आउट ऑफ प्लेन नहीं जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे देखिए बी एफ थ्री मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, बी एफ थ्री मॉलिक्यूल, बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, ठीक है। तो ये क्या है, बोरॉन 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन की शेयरिंग करेगा, तो केवल तीन बॉन्ड पेयर रहेंगे इसके पास, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ए एल सी एल थ्री की बात कर लो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बात समझ में आ रही है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, ये 120 डिग्री का अराउंड एंगल होगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ये कंडीशन थी आपकी थ्री बॉन्ड पेयर और प्लस जीरो लोन पेयर की कंडीशन, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी में अब लोन पेयर को जरा इंट्रोड्यूस करूं, थ्री प्लस जीरो की बजाय टू प्लस वन की कंडीशन ले लो, मतलब ये तीन में तीनों बॉन्ड को पेयर को ना रख के एक लोन पेयर बना दो, ठीक है। जरा उसको देखिए क्या हो जाएगा, वहां पे कंडीशन को चेंज करता हूं कि ये थ्री प्लस जीरो की बजाय टोटल समेशन थ्री ही रहेगा, बट टू प्लस वन कर दो, मतलब दो बॉन्ड पेयर रखूं ए बी टू और एक लोन पेयर ला दो। तो देखिए इस तरीके से हम डिनोट करते हैं मॉलिक्यूल को, ए बी टू एल टाइप का मॉलिक्यूल, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ठीक है। तो समझिएगा, अगर तीनों बॉन्ड पेयर थे तो हमने ट्राइगोनल प्लेनर में बनाया था, अब उसमें से एक लोन पेयर हो जाएगा, तो सपोज करो ये बॉन्ड को हटा के मैंने यहां पे लोन पेयर डाल दिया, समझिएगा बात को, यहां पे जो बॉन्ड पेयर था उसको हटा के मैंने लोन पेयर डाल दिया। अब मैंने कहा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, समझ रहे हैं। तो ये जो फ्लैंजेस थे जो पहले 120 पे थे वो अंदर दब जाएंगे, पहले भाई जब ऊपर बॉन्ड पेयर था तो रिपल्शन कम पा रहा था, लेकिन अब ऊपर लोन पेयर है तो रिपल्शन ज्यादा देगा, उधर से भी इधर से भी, तो जो फ्लैंजेस पहले 120 पे थे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो था ये थोड़ा अंदर हो जाएगा, ये जो था ये थोड़ा अंदर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको देखिए वी शेप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, वी शेप, ये जो एंगल है ये 120 नहीं होगा, है ना, दो बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है, तो इसको वी शेप, वी शेप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बेंट शेप भी बोलते हैं, बेंट शेप,
ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे देखो SO2 मॉलिक्यूल की बात करो, SO2 मॉलिक्यूल की बात करो, ओजोन मॉलिक्यूल की बात करो, तो उनका इस तरीके से दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के साथ वी शेप होता है। जैसे SO2 में क्या है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, दो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर, लो हो गया, दो बॉन्ड पेयर लोन एक लोन पेयर की कंडीशन है ना। ओजोन दो इधर ऑक्सीजन से शेयर करता है, एक इसको कोऑर्डिनेट करता है, तो इसके पास भी एक लोन पेयर बचता है, ठीक है, तो दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर की कंडीशन यहाँ पे भी है, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये एंगल वैरी करेगा है ना, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, बट वो एंगल 120 नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन दे रहा होगा इसको, ये लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन दे रहा होगा। बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है, ओके। तो ऐसे देखिए, हमने ये कंडीशन देखी दो बॉन्ड पेयर की, फिर हमने देखी तीन बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर में क्या बनाया, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कर दिया, ठीक है। फिर अब ऐसे चार की केस कंडीशन लेंगे, चार के चारों बॉन्ड पेयर करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, 3+1 की कंडीशन लेंगे, 2+2 की कंडीशन लेंगे, ठीक है, वो कंडीशन आगे हम डिराइव करते जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे केसेस 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएंगे। 3, 4 अभी तो हमने है ना 3 तक देख लिया, 2+0, 3+0, 2+1, अब आगे चलेंगे 4+0, 4+0 में 3+1 करेंगे, 2+2 करेंगे, फिर आगे 5 की कंडीशन लेंगे, 6 की कंडीशन लेंगे, 7 तक जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे स्ट्रक्चर मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।